फ्रेंड्स, आज मैं आपको त्रिवेंद्रम में ऐसी जगह लेकर जाऊंगा जहां पर आपको साउथ इंडियन स्ट्रीट फूड बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ते दामों में मिलेगा। यह रेस्टोरेंट त्रिवेंद्रम में किस जगह पर है और यहां का जो रेट है वह क्या है, वह सभी तरह की जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि आपने पहले ब्लॉग में मेरे देखा कि हम लोग जो हैं वो लखनऊ से यहाँ पर त्रिवेंद्रम में आ चुके थे, और यहाँ त्रिवेंद्रम में मेरा पहला दिन है, तो मैं इस समय पर बाहर निकला हूँ और मैं नाश्ता करने एक शॉप है यहाँ पर, वहाँ पर आया हूँ जो यहाँ का लोकल शॉप है। और जो मेरे सामने नाश्ते में है वो मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये यहाँ पर जो है ये यहाँ का इडियप्पम है, और ये मेदू बड़ा है, और ये जो है वो अप्पम है। ये जो आप देख रहे हैं ये अप्पम है, और ये चना करी है, और ये आलू करी है, ये आलू करी से, और ये सांभर है। ये सांभर, आलू करी, चना करी, और ये अप्पम था, इडियप्पम और मेदू बड़ा। और फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर फर्स्ट टाइम मैं केले के पत्ते पर ऐसे खा रहा हूँ। साउथ इंडियन डिश जो है वो केले के पत्ते पर खा रहा हूँ। तो चलिए इसको टेस्ट करते हैं और बताते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है, क्योंकि मैंने ये जो इडियप्पम है वो कभी नहीं खाया है, ये फर्स्ट टाइम मैं खाने जा रहा हूँ। तो इसको मैं खा के आपको बताऊँगा ये कैसा बना है। पहली बार ये जो इडियप्पम खाया, और यहाँ छोले की सब्जी थी, और जो वो था यहाँ का जो ये रसम टाइप का है जो सांभर, वो खाया। सच में बड़ा अलग टेस्ट है उसका यहाँ पर, और ये फर्स्ट टाइम खाने पे मैंने देखा था, बहुत अच्छा लगा मुझे खाने पर। और मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि और भी सब चीज़ें हैं, जैसे भैया हमारे लिए एक और चीज़ यहाँ की लेकर आए हैं, स्पेशल है वो भी। और ये देखिए, ये जो है ये समोसा जैसा है, ये समोसा मुझे लग रहा। भैया ये क्या क्या चीज़ है? अरे पत्री। और ये? ये तो समोसा। समोसा। और ये? ये तो कला तप्पम। इतना सब कुछ भैया ने बताया, मैंने तो नाम ही पहली बार सुने हैं। तो देखिए, चलिए अभी तो इसको पहले फिनिश करते हैं। ये जी, राइस फ्लोर में बनाते हैं, चावल का आटा में बनाते हैं। ये दोनों चावल के आटे का बनता है, और ये जो मैं खा रहा हूँ इडियप्पम, ये भी चावल के आटे का। सब कुछ चावल के आटे का है। यहाँ पे आप ये देखिए, जो भी चीज़ मैं खा रहा हूँ वो सारा चावल का ही आटे का बनता है। और फ्रेंड्स, मैं ये चीज़ खा ही रहा था, तो भैया जो है यहाँ पर वो काफ़ी, उनकी अच्छी हॉस्पिटैलिटी है, तो वो एक चीज़ और हमारे लिए लेकर आए हैं, तो मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। इसको, ये चावल के आटे का ये भी है, रोल रोल करके। इसका नाम राइस कुट्टू है ना, इसका नाम राइस कुट्टू है। ये जो है पूरा राइस कुट्टू बना हुआ है, और इससे मैं तो अपना ब्रेकफास्ट फिनिश कर ही रहा हूँ। बाकी देखिए, हम लोग अपना ब्रेकफास्ट कर ही रहे हैं, और जो भैया है ना यहाँ के, वो सच में मतलब नई नई चीज़ें ला के खिला रहे हैं, जो यहाँ की स्पेशल होती हैं, जो लोकल होती है वो हमको ला के खिला रहे हैं। और आपको भी अगर रियल टेस्ट चाहिए ना यहाँ का लोकल जो भी चीज़ों का, तो आप सच में मतलब ऐसी जगह पर जाइए जो मतलब हर चीज़ बनाते हैं वो, तो आपको वहाँ पे हर तरीके का टेस्ट मिल जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे इस समय पे कंटिन्यू खा ही रहा हूँ, और आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इस समय पे यहाँ पे क्या क्या ब्रेकफास्ट में कर रहा हूँ। डोसा,
कौन सा डोसा? टट्टू डोसा, छोटा डोसा है ना? हाँ हाँ, टट्टू डोसा। टट्टू डोसा, ये फ्रेंड्स टट्टू डोसा है, छोटा वाला डोसा है। और ये भैया देखिए, यहाँ पर काफ़ी अच्छे फ्रेंडली नेचर के हैं और ये कंटिन्यू हम लोग के लिए नई नई चीज़ें देखिए लेकर आ रहे हैं। और ये छोटा सा डोसा है इसलिए इसको टट्टू डोसा बोलते हैं। और हम लोग सच में खा खा के एकदम थक चुके हैं और भैया तो बस मतलब मान के चलिए वो तो बस हमको खिलाए जा रहे हैं, खिलाए जा रहे हैं नई नई चीज़ें जो हम लोगों ने कभी सुनी भी नहीं थी, नाम भी नहीं सुना था, और वो हम लोग यहाँ पर टेस्ट कर रहे हैं। तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है खाकर। और यहाँ की जो आप देख ही रहे हो कि जो भी टेस्ट वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है। मैं आपको इस सबके रेट बता देता हूँ। जो भैया ये मेदू वड़ा था वो कितने? 8 रुपये। मेदू वड़ा कितने का था? 8 रुपये। 8 रुपये का। और ये जो इडियप्पम है 8 रुपये का है। अप्पम भी 8 रुपये है। अप्पम भी 8 रुपये का है। और आपने ये समोसा जो था ये 8 रुपये का। और ये जो ये गोल गोल क्या था? गोल गोल क्या था ये? आरी पत्री है। आरी पत्री, इसका क्या प्राइस है? 8 रुपये। और ये जो समोसा, ये भी स्वीट का था, बोलता है इसका 8 रुपये है। ये समोसा भी 8 रुपये, आरी पत्री भी 8 रुपये, और ये क्या था? 8 रुपये। ये था क्या नाम क्या? कला तप्पम, ये भी 8 रुपये। और ये जो आप टट्टू डोसा लाए ये 7 रुपये, ये 7 रुपये का डोसा है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो यहाँ के रेट हैं वो काफ़ी रीजनेबल हैं और आप आराम से सस्ते में यहाँ के जो लोकल डिशेस हैं वो अच्छे से खा सकते हो और सबको टेस्ट कर सकते हो एकदम मिनिमम कॉस्ट पर। तो आप कभी भी त्रिवेंद्रम आएँ तो मैं आपको इस रेस्टोरेंट का जो एड्रेस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप यहाँ पर आके ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जो आपको मैंने अभी भैया बात कर रहे थे वो यहाँ के ऑनर हैं तो वो आपको यहाँ पर मिलेंगे, तो आप उनसे आकर बताइएगा, वो आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड करा देंगे। सच में काफ़ी अच्छा टेस्ट है यहाँ का। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो ब्रेकफास्ट कर लिया पूरा और काफ़ी ज़्यादा पेट भर गया है। और जो भैया थे इनसे पूछ लेते हैं, भैया यहाँ का जो एड्रेस आप बता दीजिए, जो मतलब व्यूवर देख रहे हैं वो कैसे आ पाएंगे यहाँ तक? कि दुकान का नाम, शॉप का नाम है टी हाउस रेस्टोरेंट है। टी हाउस रेस्टोरेंट है और पूजापुरा। ओके, त्रिवेंद्रपुरम। भैया तो यहाँ पर आप अगर आना चाहते हैं तो टी हाउस रेस्टोरेंट है पूजापुरा त्रिवेंद्रम में, तो आप यहाँ पर आकर के ये टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ बाहर और अपने जो अपना हम लोग घूमने जा रहे हैं, अब निकले हैं तो आगे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। कुछ इस तरह से दिखने में है ये बाहर से द टी हाउस रेस्टोरेंट, और ये जो है वो पूजापुरा जो चौराहा है वो मेन चौराहे के पास में ही है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।